हे गाइस, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले वापस अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑडिट फ्रॉम मॉड्यूल। देखो, तुम्हें पता है ऑडिट के अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक्स है। जब तुम पढ़ने जाओगे, पॉइंट्स ही पॉइंट्स भर रखे, पॉइंट्स ही पॉइंट्स, क्या याद करे क्या ना करे। और तुम्हें पता है ऑडिट के अंदर अगर तुम्हारे को स्कोर करना है शानदार, तो तुम्हारे को पॉइंट्स याद होने चाहिए। अब इतने सारे टॉपिक्स से क्या कंफ्यूजन रहते हैं, क्या याद करे क्या नहीं करे, तो वो सॉल्यूशन का मैं ये वीडियो में लाया हूं। मॉड्यूल 1 की मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, ये है मॉड्यूल 2 की। साथ में मॉड्यूल खोल लेना, यूट्यूब पे तुम्हारे को कहीं पे भी नहीं मिलेगी ऐसी वीडियो जो मॉड्यूल से तुम्हारे को इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करा दे। सिर्फ इसको रट के चल जाना, बहुत सफिशिएंट रहेगा, बहुत। और सबसे मेन चीज, चैप्टर 5 और 9 जो कि तुम्हारा छोड़ने का इंटेंशन रहता है, उसके अंदर तुमने अगर मेरा चैनल चेक कर दूंगा ना, मैंने एक जने के साथ इंटरव्यू डाला था जिसके 87 आए थे ऑडिट में, तो मैंने उससे चैप्टर 5 और 9 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह सकते हैं, और जो मेरे को भी थोड़े बहुत मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि एक दो वीडियो मैं बताऊंगा, वो रिकमेंड वो देखना, उससे तुम्हारा हो जाएगा, तो वो भी मैं तुम्हारे को वीडियो के एंड में बता दूंगा चैप्टर 5 और 9 से रिलेटेड, ठीक है ना। मॉड्यूल साथ में खोल लेना, वीडियो के एंड के अंदर मैं तुम्हारे को, अगर तुमने ऑडिट के मॉड्यूल 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं देखे तो वो भी लगा दूंगा, वो जरूर वहां से देख लेना, ठीक है ना। सो मॉड्यूल खोल लेना, मैं तुम्हारे को मॉड्यूल से, मॉड्यूल 2 है अपना, इससे मैं तुम्हारे को ऑडिट के जो भी इंपॉर्टेंट है मार्क कराऊंगा, तो खोल लो। तुम्हारे को पता ही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। ये देखो, सबसे पहले चैप्टर सिक्स बहुत ज्यादा ईजी है, और एक्रोनिम्स की वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, तो उसके अंदर ही बात करेंगे सारे एक्रोनिम्स की। तो देखो, चैप्टर 6 के अंदर सबसे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन देख लेना, 6.4 पेज पे तुम्हारे को मिल जाएंगी। ऑब्जेक्टिव देख लेना, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 6.5 पेज नंबर पे तुम देखोगे ना, तो उसके अंदर 3 पॉइंट लिख रहे हैं अपन को कि एक्सपीरियंस ऑडिटर आया वाले 3 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो उसके नीचे वापस 3 पॉइंट दे रखे हैं ना 6.6 पेज पर, सेकंड पॉइंट के अंदर वापस 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट भी याद करने। उसके बाद अपने फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फैक्टर्स, ये तुम्हारे को सारे याद करने साथ के साथ, बहुत ईजी है और इंपॉर्टेंट रहता है, आ जाए तो ईजी सा है। 6.7 पेज पर जो तुम्हारे को ऊपर एग्जांपल दिख रहा है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से याद कर लेना इसे। इसकी सिंपल सी एक्रोनिम बना रखी थी मैंने, A²C², वो तुम्हारे को मैं उस वीडियो में अच्छे से ज्यादा बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद है तुम्हारे को डेट वगैरह देख ले, सबसे पहले तो ऑडिट फाइल की डेफिनेशन देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद है 6.9 पेज पर अपने पास डेट देख लेना, नॉट मोर देन 60 डेज, और अपने पास 7 ईयर्स वाली दो चीजें, इनको याद रखना है। उसके बाद एग्जांपल ऑफ सच चेंजेस, मतलब अपन जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर सकते हैं, 6.9 पेज पर जो ये डब्बा दिख रहा है ना, डब्बे का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये 4 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद है कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं प्रोफेशनल जजमेंट में, 6.10 पेज पर 3 पॉइंट है, ये याद करने। उसके बाद अपने पास कंप्लीशन मेमोरेंडम के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, 6.11 पेज पर, तुम ये 2 पॉइंट तो याद करना। उसके बाद जब जस्ट उसके नीचे वाली लाइन है सच अ समरी, तो उसको कॉम्प्लेक्स ऑडिट ये लाइन तक याद करना पूरा, ठीक है। उसके बाद इतना कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना पूरा चैप्टर 6 का इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैप्टर 6 में मैंने ज्यादा बताया, ठीक है, वो सिंपल सी बात है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करेंगे अपन लोग चैप्टर 7 की। देखो, चैप्टर 7 सच बताऊं ना, पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा ये, इसके अंदर ऑलमोस्ट मैं बहुत ज्यादा पॉइंट बताऊंगा तुम्हारे को, तो जेन्युइन है, ठीक है। 7.4 पेज पर सबसे पहले तुम्हारे को पता होना चाहिए एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं। नीचे तुम्हारे को 7.4 पे लास्ट में जो दो एग्जांपल दे रखे हैं, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट के 7.5 पेज पर तुम्हारे को एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल तुम्हारे को पता होना चाहिए, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स की सबसे पहले तुम्हारे को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि होते क्या क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो फैक्ट्स आफ्टर नोन वाले 2 पॉइंट है, ठीक है, ये होने चाहिए। इस तरह बुक में 3 है, वो तुम 3 देख लेना, ठीक है ना, जो चार्ट बना हुआ है 7.5 पेज पर, ठीक है। उसके बाद है अपने पास ऑब्जेक्टिव, देखो ऑब्जेक्टिव 2-3 नंबर के अंदर है ना, 3 नंबर के अंदर कोई से भी ऐसे के पूछ सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे, ठीक है। उसके बाद 7.6 पेज पर जो तुम्हारे को बीच में 4 पॉइंट है, वो तुम्हारे को आने चाहिए। उसके बाद 7.7 पेज पर जो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, और ये केस दे रखा है ना पूरा, मतलब अमेंड करेगा ऑडिटर रिपोर्ट, मतलब देखा जाए ना 7.8 पूरा पेज, और उसके बाद अगला जो पेज है ना जिसके अंदर सेम है, बस वो अपना चेंज हो रहा है आगे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद पता चला, ठीक है। तो दोनों में सेम सिनेरियो है, 1-2 पॉइंट का फर्क है, वो देख लेना, बाकी सेम ही रहेगा इसका पूरा, ठीक है, तो वो तुम कर लेना। फिर अपने पास गोइंग कंसर्न वाला, देखो गोइंग कंसर्न के अंदर क्या है, ऑब्जेक्टिव तुम्हारे को देख रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद अपने पास रहेंगे सबसे 7.17 पेज पर आओगे ना एग्जांपल्स, 4-4 एग्जांपल तीनों इवेंट के याद कर लेना, फाइनेंशियल इवेंट्स के, ऑपरेटिंग इवेंट्स के, और अपने पास अदर इवेंट्स के 4-4 एग्जांपल याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद है 7.19 पेज पर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर जो तुम्हारे को ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट टोटल 5 पॉइंट है, वो तुम्हारे को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास रहेंगे ये बॉक्स वाली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुम्हारे को रहेगा 7.21 पेज पर जो तुम्हारे को 2 पॉइंट दे रखे हैं, वो तुम्हारे को अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है अपने पास इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिटर रिपोर्ट, इसके अंदर तुम्हारे को ये केसेस दे रखे हैं डिफरेंट, इसके अंदर कब अपन को कौन सी रिपोर्ट इशू करनी है, वो तुम्हारे को मतलब सिंपल सा एक चार्ट बना लेना, इजीली हो जाएगा। एक बार मैं चेक करूंगा, मेरे पास नोट्स मिल गए ना, मेरे नोट्स के अंदर मैंने बहुत क्लियरली लिख रखा है,
मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वो तुम्हारे को कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है ना। उसमें मैंने बहुत सिंपल सा लिख रखा है, इसके अंदर वही चीज है कि तुम कौन सी रिपोर्ट कब देनी है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है ना। मतलब 7.22 पेज पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अपना 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स याद कर लेना। उसके बाद इसके अंदर तुम्हारे को दो चीजें मिलेगी, कंसीडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स, ये 7.24 पेज पर तुम्हारे को लास्ट में जो एक पॉइंट और अगले पेज पे एक पॉइंट है वो तुम्हारे को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो तुम्हारे को है ना, सबसे पहले तो 7.26 पेज पर जो ऊपर दो पॉइंट है वो, और 3.8 जो हेडिंग है ना लास्ट वाली वो तुम्हारे को पढ़ लेना। डॉक्यूमेंट क्या क्या करते हैं अपन लोग वो भी देख लेना, तीन पॉइंट है सिंपल से, ठीक है। ये वाले चैप्टर में क्या, मैं जितना उसे कहना तुम्हारे को नोट्स दे दूंगा, मतलब पूरे जितने मेरे ऑडिट के थे उससे तुम पढ़ोगे ना तुम्हारे को बहुत इजीली तुम्हारे को समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन देखना और ऑब्जेक्टिव तो तुम्हारे को देखना ही है। उसके बाद है 7.30 पेज पर तुम आओगे ना, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीन चीज आती है इसके अंदर, ये तीनों पढ़ लेना अच्छे से, तीनों पढ़ने पड़ेंगे। हेडिंग दो चीज आती है, दो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन, दो चीज आती है इसके अंदर। और दूसरे पॉइंट के अंदर दो पॉइंट है ना, ये भी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बाकी जो एक्चुअरी वगैरह है ना 7.31 पेज पर, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारे पास द ऑडिटर में आस्क मैनेजमेंट टू रिकन्फर्म, भाई ये 7.32 पेज पर तुम्हारे को चार पॉइंट लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है पूरे, ठीक है ना। अब है फिर अपने पास 7.33 पेज पर जो तुम्हारे को दो पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद है अपने पास 4.9 पेज पर जो भी डेफिशिएंसीज होगी ना इंटरनल कंट्रोल के अंदर, उसका भी वो मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगी, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारे को देखना है डेट एंड पीरियड कवर बाय रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 7.34, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीड कर लेना इसे। उसके बाद है अपने पास अगला 7.38 पेज पर, अब है अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो स्टार्टिंग है तीन पॉइंट है वो, उसके बाद जो तुम्हारे पास 705 वाली जो दे रखे नीचे दो पॉइंट वो, ये तुम्हारे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद है अपने पास सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद TCWG द टू वे इफेक्टिव, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। उसके बाद है अपना ऐसे 260, इसके ऑब्जेक्टिव याद कर लेना 7.41 पेज पर, ठीक है ना। और उसके बाद है मैटर्स, ये है अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक 7.42 पेज पर, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय ऑडिटर, जिसके अंदर तुम्हारे को ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान स्कोप एंड टाइमिंग और सिग्निफिकेंट थिंग्स। 7.43 पेज पर जो तुम्हारे को सिग्निफिकेंट थिंग्स के अंदर पांच पॉइंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इनको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद मैं तुम्हारे को बताऊं तो ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो क्या इसके मैंने नोट्स बना रखे थे बहुत अच्छे, तो मैं उनसे ही पढ़ता था ये वाला। फिर अपने पास 265 चल रहा है अभी भी, 265 है डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, इसके अंदर देखो सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए डेफिशिएंसी का मतलब, ठीक है ना। 7.46 पेज पर डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल वगैरह एग्जांपल्स, इसके तीन चार याद कर लेना 7.47 पे तुम्हारे को मिल जाएंगे, इस पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर 7 के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी भी, ठीक है। इसके अंदर सबसे मेन चीज डेफिनेशन किसकी देखनी है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज क्या होती है, अदर डेफिशिएंसीज क्या होती है। 7.49 पेज पर जो तुम्हारे को स्टार्टिंग है दो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद एक बार नोट जरूर चेक करना जो मैं दूंगा तुम्हारे को, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद अपना आता है चैप्टर 8, ठीक है। मैं तुम्हारे को है ना एक और चीज थोड़ी देर बाद मतलब वीडियो में बता दूंगा कि जो हमारा अटेम्प्ट था ना May 24 उसके जो MCQs थे ऑडिट के और FMSM के, सोचो पेपर के MCQs, वो मैं बता दूंगा कहां से तुम्हारे को देखने, ठीक है। उसके बाद है अपना SS 700, सबसे पहले देखो इनके नाम वाम तो तुम्हारे को सबको पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेना SS 700 के। उसके बाद तुम्हारे को देखना है 8.7 पेज पर जो तुम्हारे को ओवरव्यू ऑफ इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर देख रहा है ना, चेकबॉक्स दे रखा है वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को एक बार ये पता होना चाहिए जनरल पर्पस फ्रेमवर्क फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ये सब पता होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट का एक बार देख लेना पूरा, इसके अंदर वैसे अभी तक तो क्वेश्चन का आता नहीं है कि पूरी ऑडिट रिपोर्ट बना दो, वो सब तो नहीं आता, तो इसको तुम देख सकते हो। और हाँ, एक और चीज़ है 8.9 पेज पर जो ऊपर दो पॉइंट लिख रहे हैं ना एक डब्बे के अंदर, वो अच्छे से याद कर लेना, सिंपल सिंपल से बहुत। स्कोप लिमिटेशन कौन सी रिपोर्ट देनी होती है, सिंपल सी चीज़, ठीक है ना। ऑडिटर रिपोर्ट पूरी बनाने की तो नहीं आता, अब इसमें से कोई एक पार्ट आ सकता है अगर वो लोग पेपर हार्ड दे दो, ठीक है ना, जिसमें से बेसिस फॉर ओपिनियन ये सब आ सकता है कि इसके अंदर लिखना क्या होता है, वो आगे लिख रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। 8.11 पेज पर जो ऊपर पांच पॉइंट दे रखे हैं वो तुम्हारे को याद करनी है। उसके बाद इलुस्ट्रेशन दे रखे ना, जो इलुस्ट्रेशन 3-4 ये जरूर पढ़ के जाना, ठीक है ना। बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर भाई ये सब चीज़ है ना, मैंने याद तो नहीं करी थी क्योंकि इसका आइडिया नहीं था कि ये आएंगे नहीं आएंगे, और जितना कि नहीं आया था ये भी, ठीक है। 8.15 पेज पर जो तुम्हारे को दो पॉइंट दे रखे ना बट डब्बे में बड़े बड़े बने हुए, ये याद करना ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने भी करी थी अच्छे से याद। उसके बाद है अपने पास ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर,
8.18 पेज पर तुम आओ, 8.17 पेज पर तुम आओगे ना, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन कहाँ कहाँ होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, ये तुम्हारे को तीन पॉइंट दे रखे, 8.17 पे लास्ट तीन पॉइंट दे रखे जो भी वो। उसके बाद 8.18 पे जो चार्ट दे रखा है ना अपन को, वो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं तो वो छोड़ सकते हो, तुमको दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा रहेगा अदर रिपोर्टिंग, देखो सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर के अंदर जो 12th हेडिंग है 8.21 पेज पर, वो तुम्हारे को पता होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल है तो उसका नेम और मेंबरशिप लेंगे और फॉर्म है, वो सब चीजें वो तुम्हारे को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और यूडीएन के बारे में जरूर पढ़ लेना 8.22 पेज पर, यूडीएन के बारे में, इसमें तुम्हारे को तीन नंबर का आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को ये एक ऑडिट रिपोर्ट बना के दे रखी है, वो इतने कोई दिक्कत नहीं, वो उसमें कुछ नहीं आता इतना। फिर अपने पास ओपिनियंस कितने टाइप की होती है, ये तुम्हारे को, ये तो बेसिक है चीज़ें, तो ये तो तुम्हारे को पता होनी चाहिए, परवेसिव नॉन परवेसिव ये सब चीज़ें, ठीक है ना। ये पूरी तुमने बहुत अच्छे से कर रखी होंगी, बहुत ईजी है ये। उसके बाद आएंगे अपने 8.42 पेज पर, तुम्हारे को मिलेगा लिमिटेशन ऑन स्कोप, ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इलुस्ट्रेशन 12, इस चार्ट को तुम इजीली याद कर लोगे लेकिन इससे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में तुम्हारे को बहुत दिक्कत होने वाली है, इसलिए इलुस्ट्रेशन 12 और इस टॉपिक को याद रखना कि ये आंसर हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद अपने पास बेसिस फॉर ओपिनियन में ये चीजें इसने बता रखी कि क्या क्या अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे लिखने का, तो ये मैंने याद नहीं करी थी। उसके बाद अपने पास आ जाता है 8.47 पे EOM और OM, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर तुम्हारे को जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं ना सारे याद करने पड़ेंगे, इसके अंदर मैंने सबको ही मार्क कर रखा है, इससे 8.48 पेज, 49 पेज पूरा, और 50 पेज के भी जो ऊपर तीन पॉइंट है वो, और इलुस्ट्रेशन 14 भी देख कर रहना, ठीक है ना। उसके बाद है क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये EOM OM या फिर ये की ऑडिट मैटर्स यही आते हैं, ठीक है, और बहुत टॉपिक इसके अंदर सिमिलर भी है, तो तुम वो देख लेना। की ऑडिट मैटर की सबसे पहले तुम्हारे को 8.52 पे डेफिनेशन जरूर देखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स देखने ही है। 8.53 पेज पर जो तीन डब्बे में लिख रहे थे ना तीन पॉइंट, भाई ये जरूर करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो तुम्हारे को पहले तुमने UMOM देखा ना वो सिमिलर ही मिल जाएगा, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। उसके बाद अपने पास नया ऐसे आ जाता है कंपैरेटिव, ये ऐसे 710 कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन कॉरेस्पॉन्डेंस फिगर, ये तो मैंने करा ही नहीं था, ये तो मैंने छोड़ दिया था, बाकी इसके अंदर बहुत ज्यादा ईजी है, तुम ये चेक कर लेना। उसके आगे मैं तुम्हारे को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, देखो कारो है ना, कारो वो आगे आएगा, कारो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार नंबर का इजीली क्वेश्चन आएगा उसके अंदर कंफर्म है, तो वो उसके 21 क्लॉजेस है, अच्छे से याद करके जाना वो तो, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक चीज मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, 8.63 पर तुम देखो कि प्रिंसिपल ऑडिटर, अदर ऑडिटर, सिंपल सा प्रिंसिपल जो मेन हेड ऑफिस है वो उसका ऑडिटर, और अदर उसकी जो ब्रांचेस है उसके लिए अदर ऑडिटर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कॉम्पोनेंट का मतलब होता है ब्रांच। 8.65 पे तुम देखो कि जॉइंट ऑडिट, ये टॉपिक पता करना कि ये है क्या इसके बारे में पूरा, बाकी याद का क्या करना है वो मैं तुम्हारे को मैं बता रहा हूँ। 8.66 पेज पर तुम बिल्कुल लास्ट के अंदर जाओगे ना, लास्ट के अंदर तीसरा पॉइंट है, उसके अंदर तुम्हारे को पांच पॉइंट दे रखे हैं, वो याद करना है, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद अपना आ गया रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंदर कारो, तो कारो के अंदर जो 21 क्लॉजेस है ना वो याद कर लेना, और कौन कौन सी कंपनी में लगता है। 8.73 पेज पर तुम जाओगे, लास्ट के अंदर तुम्हारे को मिल जाएगा कौन सी कंपनी में लगता है, किस पे नहीं लगता, ये सब चीजें, और 21 क्लॉजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, जितना हो सके ना रिविजन वीडियो देखना इसकी, बहुत ज्यादा तुम्हारे को ईजिली हो जाएगा, ठीक है। ये अपना चैप्टर 8 का हो गया, चैप्टर 9 का मैं तुम्हारे को एंड में बताऊंगा। देखो अब मैं तुम्हारे को बताऊं, MCQs तुम्हारे को चाहिए जो May 24 में आए थे ऑडिट और FMSM के, सबसे बेस्ट चीज बताने जा रहा हूँ, तो मैं ना सर्च मारना, मेरा नाम रजत अग्रवाल है, ऑडिट पेपर रिव्यू रजत अग्रवाल, तुम्हारे को पेपर रिव्यू की एक वीडियो मिलेगी, उसके अंदर कमेंट सेक्शन में जाके तुम पिन कमेंट देखना, और FMSM में भी सेम करना, तुम्हारे को सारे MCQs मिल जाएंगे। क्या उस टाइम बहुत सबने ऐसे लिख दिए थे MCQs वगैरह, और मैंने भी, मेरे को जहाँ से मिले थे मैंने हर जगह तुम्हारे को पिन कर दिए थे कमेंट, तो FMSM वगैरह तुम्हारे को सबके मिल जाएंगे। तो उसके बाद अपने पास चैप्टर 10, ये बहुत सही रहेगा, मैं तुम्हारे को इसके अंदर बहुत शानदार शानदार चीज़ें बताता हूँ, बाकी चैप्टर 5 और 9 सितंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के एंड में मैं तुम्हारे को टॉपिक बताऊंगा कौन सी वीडियो तुम रेफर कर सकते हो, बहुत सही रहेगा उससे, ठीक है ना। सबसे पहले चैप्टर 10 के अंदर अपने पास रहेगा इनकम रिकॉर्ड, हाँ 10.12 पेज पर तुम आओगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। उसके बाद है अपने पास ये जो चीजें मैं छोड़ रहा हूँ ये मैंने नहीं करी थी और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइमरी बेसिस पर तो जो मैं बता रहा हूँ वही करना, ठीक है ना। फिर अपने पास 10.22 पेज पर एडवांसेस की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ एडवांसेस, और 10.23 पेज पर तुम्हारे को दो डब्बे दिखने, दो डब्बे के अंदर क्या क्या है वो तुम याद कर लेना, ठीक है ना, सिंपल सा एक एक बड़े, ठीक है। उसके बाद मॉर्गेज वगैरह ये सब नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, 10.26 पेज पर आओगे ना
प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन, इसके अंदर एसएमए वगैरह है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट आउट ऑफ ऑर्डर, ये सारा इंपॉर्टेंट है। जो कैटेगरीज तुम्हारे को दे रखी है अंदर 15% 25% ओवरड्यू क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। उसके बाद तुम्हारे को इसके अंदर सब टॉपिक दे रखे हैं जैसे अकाउंट्स रेगुलेटेड नियर द बैलेंस शीट डेट, गवर्नमेंट गारंटीड ग्रांट्स, ये जो है ना गवर्नमेंट गारंटीड ग्रांट्स ये 24 मतलब मे 24 के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये जो अंदर एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इतने सारे मैंने टॉपिक छोड़ा दिए इस चैप्टर के अंदर, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अकाउंट्स वेयर देयर इज अ इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉड 10.32 पेज पर तुम्हारे को ये भी इंपॉर्टेंट है, 12.8 हेडिंग, 12.9 हेडिंग और 12.10 हेडिंग ये इंपॉर्टेंट है, 12.11 हेडिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैंने शुरुआत इस मार्क से कराई है। ड्रॉइंग पावर का भाई बहुत ईजी है, बहुत ईजी। इसके जितने भी तुम्हारे को पॉइंट है ना, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। इसके अंदर 3-4 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 5 करोड़ की लिमिट है, ये सब तुम्हारे को होनी चाहिए। और करंट स्टॉक स्टेटमेंट होना चाहिए, लार्ज है तो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और इसकी जो दे रखी है अपने पास कैलकुलेशन कैसे करते हैं करंट एसेट और डेटर की, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। इसको अच्छे से कर लेना, इसका आगे तुम्हारे को क्वेश्चन में मिल जाएगा, वो भी कर लेना, ठीक है ना। 10.36 पेज पर तुम्हारे को ऊपर जो पॉइंट दिख रहे हैं वो याद करने और जो डब्बे में पॉइंट है दोनों याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत ही कम चीजें बता रहा हूं मैं तुम्हारे को, चैप्टर 10 तुम्हारा इजीली हो जाएंगे इनसे। उसके बाद देखो एक्सपेंसेस का, अपने पास सबसे पहले 10.45 पेज पर तुम आओगे ना इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सब वगैरह, मतलब सिंपल सा है, अगर तुम्हारी जो इनकम एनपी में तुमने रिकॉर्ड करी थी वो रिवर्सल ऑफ इनकम है ना, एक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये क्या मैंने खुद से पढ़ लिया था। उसके बाद है 10.48 पेज पर तुम आओगे फॉर ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फॉर ऑडिट ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी, दोनों के तुम्हारे को पॉइंट अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी तुम्हारे को 10.49 पेज पर जो दे रखा है ना, इसको तुमने शायद एडवांस अकाउंट्स में पढ़ा होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चैप्टर 10 में तो अपना यही था। चैप्टर 11 भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसके अंदर भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स मार्क कर रखे हैं बिल्कुल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपने पास क्या है, सबसे पहले अपने पास 11.6 पेज पर आओगे कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं, तो हमारे को सारे ये याद करने पड़ेंगे। ये सिंपल सिंपल चीजें याद करके मत चल जाना, इसके अंदर अच्छी चीजें आती है वो मैं तुम्हारे को बताऊंगा। 11.8 पेज पर तुम जाओगे इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, इंडिपेंडेंस इन माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, थ्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी तुम्हारे को याद करने पड़ेंगे, तुम्हें पता है 11.10 पे। सेफ गार्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ईजी है, इसके अंदर तुम्हारे को 11.12 पेज पर 4 पॉइंट दे रखे हैं, ये याद करना। अब बताता हूँ मैं तुम्हारे को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अंदर तुम्हारे को एग्जाम्पल दे रखे हैं 11.12 पेज पर, लास्ट में तुम्हारे को दे रखे हैं 4 पॉइंट, वो याद करने। उसके जस्ट अगले में 3 पॉइंट और दे रखे हैं वाली हेडिंग के अलग है, वो याद करने, ठीक है ना। उसके बाद 210 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसके अंदर तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव देखने पड़ेंगे, प्री कंडीशन देखनी पड़ेगी, बहुत ही ईजी है, तुमने कर रखा होगा ये याद, मेरे को पता है इतना, ठीक है। फिर है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या आता है, ऑडिटर क्लाइंट को भेजता है, इसको तो मैंने याद कर रखा था एसी से, जो पीछे चल रहा है ना एसी, ऑडिटर टू क्लाइंट, एसी एसी ऐसे याद हो जाएगा, अब नहीं बोलोगे तुम एसी एसी ऑडिटर टू क्लाइंट, ठीक है। और क्या क्या आता है वो तुम्हारे को देखना ही है। और 11.21 पेज पर अगर प्री कंडीशन नॉट प्रेजेंट तो क्या होगा, इसके अंदर है ना तुम्हारे को छोटी छोटी चीजें, मतलब एक मतलब कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे को पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है। उसके बाद है अगर ऑडिटर ने मतलब स्कोप लिमिटेशन हो गई लो लेवल ऑफ अश्योरेंस के लिए बोल दिया, तो तुम्हारे को नई रिपोर्ट इशू करनी है 11.22 पेज पर, जो लास्ट के 2 पॉइंट है, और अगले पेज पर जो 2 पॉइंट और दे रखे हैं वो तुम्हारे को पता है कैसे करने, वो याद करने। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन रिकरिंग ऑडिट्स 11.23 पेज पर, जो लास्ट में पॉइंट दे रखे हैं वो तुम्हारे को पढ़ने, ठीक है। उसके बाद है ऑडिट क्वालिटी एसक्यूसी, ये ऑडिट क्वालिटी में देख लेना, एसक्यूसी पूरी फॉर्म पे लगता है, और मतलब जिसके अंदर ऐसे एसआरई एसएएस जो भी सारी चीज आती है सब पे लग जाता है, ठीक है। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इसमें मैं तुम्हारे को बताता हूँ चीजें इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे को देखना है ये 11.28 पेज पर तुम्हारे को मिलेंगे 6 पॉइंट मिलेंगे, इसकी मैंने एक्रोनिम बना रखी है, वो मैं तुम्हारे को आगे बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर भी बताना पड़ेगा ना इसलिए। तो 11.28 पेज पर तुम्हारे को 6 पॉइंट मिलेंगे, वो याद करने, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को रहेगा, उसके बाद अपने पास क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे 220 के अंदर अपने पास पॉइंट रहेंगे। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी 11.32 पेज पर जो इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी के अंदर 4 पॉइंट, और जो ये बी वाला पॉइंट है क्वालिटी इज एसेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना भाई, ये जरूर करके जाना। और 11.33 पेज पर तुम देखोगे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिव्यू, और मतलब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट करते हैं 3 पॉइंट दे रखे, ये मे 24 में आया था, ठीक है ना। मॉनिटरिंग के अंदर तुम्हारे को जो 4 पॉइंट दे रखे हैं ये तुम्हारे को याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ये तो था अपना
11 चैप्टर का पूरा, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना चैप्टर 5 और 9 का, क्योंकि May 24 में मतलब सितंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मई में बहुत कम का आया था। सबसे पहले तुम्हारे को मैं मेरा बता रहा हूँ, फिर मैंने एक जने से पूछा था ना जिसके मैंने तुम्हारे को वीडियो पे डाली थी जिसके 87 आए थे ऑडिट के अंदर, उससे भी मैंने पूछा तो चैप्टर 5 और 9 का जो उसने मेरे को टॉपिक्स बताया वो भी मैं तुम्हारे को बता दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं मेरा बताता हूँ मैंने क्या करा था। सबसे पहले तुम्हारे को क्या करना है, चैप्टर 5 में ना तुम सर्च मारोगे ना ऑडिट ऑफ आइटम चैप्टर 5 मुकेश मदलानी, उनकी एक वीडियो आएगी 1 घंटे 47 मिनट की, उसको है ना मैं चलते चलते जैसे नॉर्मली सुन रहा जो चीज़ वो बता रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं 2x में सुन रहा, नॉर्मली 1.5x में सुन रहा कि यार वो क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं और क्या क्या चीज़ इसके अंदर होती है। एक दो बार तुम सुनोगे ना ईजिली हो जाएगा, और ज़रूरी नहीं तुम्हारे को एक दिन के अंदर ही कंप्लीट करना है, वो वाला चैप्टर नहीं है। आराम से थोड़ा 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 करके सुनते जाओ, दो दो टॉपिक तीन तीन टॉपिक रोज सुनो, ईजिली तुम्हारे को हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी ऐसे करा था। और चैप्टर 9 के अंदर क्या है, डिस्क्लोजर। अब मैंने चैप्टर 9 के अंदर सिर्फ करे थे डिस्क्लोजर, उसके अंदर क्या था तुम सर्च मारोगे ना डिस्क्लोजर चैप्टर 9 मुकेश मदलानी, मतलब मुकेश मदलानी नहीं सॉरी शुभम केसवानी, मैंने उनकी देखी थी चैप्टर 9 डिस्क्लोजर, वो शुभम केसवानी उनकी थी 1 घंटे 6 मिनट की, 1 साल पुरानी वीडियो थी। तो उसके अंदर डिस्क्लोजर उन्होंने बताए थे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा इजी लगा था मेरे को उस टाइम, और मैंने डिस्क्लोजर कर लिए थे अगर डिस्क्लोजर का क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है ना। अब जो मेरे को टॉपिक्स पता चले हैं वो तुम लिख लो, ठीक है ना, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा। उस बंदे के 87 आए थे तो उसने चैप्टर 5 और 9 बहुत अच्छे से पढ़े थे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया बहुत सही फायदा रहेगा, ठीक है। चैप्टर 5 का और 9 का लिख लेना, ठीक है ना। चैप्टर 5 में सबसे पहले अपना रहेगा, थोड़ा मैं धीरे बोल देता हूँ ताकि तुम लिख भी लो, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, WIP फिनिश गुड्स, फिर रहेगा अपना सेल्स, परचेजेस, फिक्स एसेट्स, अदर इनकम्स, ट्रेड पेबल्स और डिस्क्लोजर ऑफ ऑल ट्राइब्स, जो मैंने तुम्हारे को बताया, ठीक है। उसके बाद अपना रहेगा चैप्टर 9 के अंदर गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है ना। उसके बाद कॉरपोरेट सोसाइटी, सिनेमा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, लीजेस, होटल, लोकल बॉडी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। अब ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे को बता दी है। अब देखो सबसे मेन चीज़ बताऊँ क्या है, ऑडिट का ये पूरा हो गया। अगर तुमने मॉड्यूल 1 का नहीं देखा तो मैं तुम्हारे को वीडियो लगा दूंगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया चैप्टर 5 तुम छोड़ के जाते हो, ये टॉपिक जरूर करके जाना, वीडियो में अटैच कर देता हूँ यहाँ पे, क्लिक करके जरूर से जरूर देख लेना। यही था इस वीडियो के अंदर, अगर तुम्हारे को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।